बेटा जरा शमीम को तो कॉल मिलाओ, मुझे बात करनी है। जी मैं करती हूँ। लो शमीम की कॉल आ रही है। हेलो बच्ची, क्या? हेलो तू यहाँ? और मुझे यहाँ कौन लगाया? आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो भला हो किसी बंदे का जो फरिश्ता बनकर आया और आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। आपके एक्सीडेंट का सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शरीफ आराम से है। कहाँ से ठीक है भाई साहब आप? पता है कितनी चोटें आई हैं आपको, और आपका तो चुप करो जनारा, कुछ नहीं हुआ है शमीम को, ये बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ मुझे? डॉक्टर साहब ने क्या कहा जहनारा? जहनारा मैं अभी मजबूत हूं, सच सच बताओ क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? शमीम कुछ नहीं हुआ है आपको, बस पैर में आपके चोट लगी है, कुछ दिन तक चल नहीं सकते आप, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। कितने खुश थे हम सब। शमीम को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, सारा ये सब इसकी नजर खा गई हमारी खुशियों, इसे जैसे खुशियां मनाने से पहले ही दुख दौड़े चले आते मेरे पास। नहीं बहन, इस तरह अल्लाह से शिकवा नहीं करते, बुरी बात होती है। देखो हर काम में ना अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। मैं जानती हूँ सना, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? मुझसे शमीम की हालत देखी नहीं जाती, और कोई भी बीवी अपने शौहर को इस हालत में नहीं देख सकती कि वो सुबह काम पे जाए और शाम को हौसला रखो। शमीम भाई तुम्हें इस तरह टूटा हुआ देखेंगे तो उनको कौन हौसला देगा, वो मायूस हो जाएंगे। इस वक्त उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। मैं जानती हूँ सनारा, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? देखो ये मत भूलो कि कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती, सारी परेशानियां जाने के लिए आती हैं। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और इंशाल्लाह शमीम भाई जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आएंगे। मेरी बहन ऐसी तो नहीं है जो मुश्किलों से हार जाए, थक जाए। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।